स्वागत है आपका सिने स्पीक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। डोरी में गंगा प्रसाद द्वारा डोरी के लिए प्यार दिखाने के साथ शुरुआत होती है, जिसमें दिखाया गया है कि उसने उसे कैसे पाला है। जैसे जैसे डोरी बड़ी होती जाती है, वह उसकी तलाश करता है और नानी उसकी शरारती स्वभाव के बारे में शिकायत करती है। वह नानी से डोरी को उसकी गलती के लिए दंडित करने का अनुरोध करता है। बाद में डोरी खुद को भगवान शिव के रूप में प्रच्छन्न करती है और एक विदेशी तस्वीर लेती है। कैलाश देवी मंदिर में पहुंचती है और हर कोई उसके लिए देवता की पूजा करने का रास्ता बनाता है। वह देवता के साथ एक सौदा करती है और पुजारी उसे बताता है कि भक्तों को प्रसाद वितरित करने का समय आ गया है। डोरी की सहेली ने उसे बताया कि उन्हें आज प्रसाद नहीं मिलेगा क्योंकि प्रसाद खत्म होने वाला है। डोरी कैलाश देवी का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना डमरू बजाती है। वह डोरी को प्रसाद देती है, लेकिन जब डोरी भगवान शिव का वेश धारण करती है तो वह क्रोधित हो जाती है। डोरी का तर्क है कि लड़कियों को खुद को घर के कामों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए और लड़के और लड़कियां दोनों समान हैं। कैलाश देवी ने इसे अस्वीकार कर दिया और डोरी के चेहरे पर पानी डालकर उसका मेकअप हटा दिया। डोरी कैलाश देवी को गिरते हुए लट्ठे से बचाती है और कैलाश देवी सवाल करती है कि डोरी ने उसका हाथ क्यों छुआ। डोरी बताती है कि उसने उसे बचाने के लिए ऐसा किया, लेकिन कैलाश देवी ने उसे खारिज कर दिया और उसे थप्पड़ मारने की धमकी दी। गंगा प्रसाद हस्तक्षेप करता है, डोरी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और सजा के रूप में नानी से उसके कपड़े धोने के लिए सहमत होता है। कैलाश देवी गंगा प्रसाद को अपमानित करती है और डोरी स्थिति से नाखुश होती है। कैलाश देवी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और उसके पति ने अपनी बहू को चुप रहने की सलाह दी है। डोरी अपने पिता से कैलाश देवी के व्यवहार के बारे में पूछती है और वह उसे अपने बारे में बुरा न बोलने के लिए कहती है। डोरी अपनी गलती स्वीकार करती है और बड़ी होने पर सीखने का वादा करती है। वह अपने टूटे जूते का जिक्र करती है और गंगा प्रसाद उसे एक नया जोड़ा खरीदने का वादा करता है। कैलाश देवी के पति को उसके गुस्से का एहसास होता है और वह मानता है कि यह उसकी कमजोरी है। कैलाश देवी एक नौकर को उस साड़ी को जलाने का निर्देश देती है जिसे डोरी ने छुआ था, जिससे नौकर का हाथ जल जाता है। डोरी अपनी नई चप्पलों के साथ खुशी खुशी घर लौटती है, लेकिन नानी उसे डांटती है। गंगा प्रसाद उसे पैसे देता है और कैलाश देवी अपने पति को गंगा प्रसाद के अनुरोध के बारे में बताती है कि वह उसकी साड़ी साफ करने के लिए उसके घर आए। नीनू गंगा प्रसाद के घर जाती है। नानी ने जबरदस्ती पैसे लेती है और डोरी उसके व्यवहार की नकल करती है। नीनू पैसे लेकर ब्याज की मांग करती है और गंगा प्रसाद की सिलाई मशीन लेने पर विचार करती है, जिसके कारण गंगा प्रसाद से इसे न लेने की अपील की जाती है। वहीं आगे इस शो में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा।